हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी एफ बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। बी एफ फोर नेगेटिव, बी एफ थ्री एन एच थ्री, बी एफ थ्री बी एफ थ्री एंड सी एच थ्री ट्राइस। सो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज बैक बॉन्डिंग। सो अब हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। उस केस में हमारे पास बी एफ बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी और बैक बॉन्डिंग वहां पे पॉसिबल होगी जहां पे बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, सो अगर हम देखते हैं बी एफ फोर नेगेटिव, सो बी एफ फोर नेगेटिव में अगर हम सबसे पहले तो बोरोन की कन्फिग्रेशन देखते हैं, दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p1। सो अगर हम आउटर ऑर्बिटल्स देखें, दिस इज 2s एंड 2p। सो इसमें क्या होता है कि जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इस तरह से p में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन। लेकिन एक जो फ्लोरीन है f नेगेटिव की फॉर्म में, वो क्या बनाता है यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वेकेंट ऑर्बिटल में। सो बी एफ फोर नेगेटिव में हमारे पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का, वो प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी एफ थ्री एन एच थ्री में, सो इस केस में भी देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है बोरोन के साथ। सो इसमें भी जो बी एफ थ्री का वेकेंट ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है बैक बॉन्डिंग के लिए। और सिमिलरली हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी अगेन बात करेंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या कर रखा है, जो बोरोन का 2p वाला वेकेंट ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, जो वहां पे भी हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बी एफ थ्री की, सो बी एफ थ्री में हमारे पास क्या है, देखो बोरोन में वेकेंट ऑर्बिटल होगा क्योंकि तीन ही फ्लोरिन अटैच है। सो वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से जो फ्लोरिन है वो क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है विद फ्लोर बोरोन। सो क्या होगा, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है बोरोन और फ्लोरिन का, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये बोरोन का हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल था, पर यहाँ पे फ्लोरीन के क्या आते हैं, फिल्ड ऑर्बिटल से हमारे पास बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में इस तरह से इंटरेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास था फिल्ड 2p ऑर्बिटल और ये था हमारे पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल। सो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास लाइक दिस बी एफ एफ, सो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलती है, बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक तरह से इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ।